द नेशन वॉन्ट्स टू नो दिस कि जब तुम पढ़ाई कर रहे थे और मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही देख लिया था शिवम तेरे को, वो किस लड़की के साथ तू घूम रहा था, वो वाला डिस्ट्रेक्शन बताना तेरे को, वो कौन सा डिस्ट्रेक्शन था जब तू एग्जीक्यूटिव लेवल पे घूम रहा था? तू तो फाइनल तक घूमा है मतलब वो वाला डिस्ट्रेक्शन के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है हम नहीं आएंगे, हमें इंस्टाग्राम पे इसलिए भी नहीं आना क्योंकि हमारे पास वैसे ही और कहीं बिजी हैं हम। वो किस लड़की के साथ घूम रहा था तू? सर कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? वो तो थी, कौन सी थी इसकी? और तेरी वाली कौन सी थी उसमें? मेरा तो ब्लैंक है सर, बहुत है सर, ब्लैंक है, ब्लैंक है सर, रहने दीजिए, हम सब में सबसे ज्यादा यही था। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं हूं आपके चैनल विद्यासल पे। आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि टीम विद्यासल ने प्रोड्यूस करे हैं इस बारी इस अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। इस बार हम लोगों के पास, आप लोगों के सामने है चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षित अग्रवाल, कॉस्ट अकाउंटेंट आशुतोष राय और कंपनी सेक्रेटरी शिवम गौतम। हम लोगों के लिए ये प्राउड मोमेंट और बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बच्चे हम लोगों से शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे पास रहे, फाउंडेशन से फाइनल तक की इनकी ये जर्नी यहाँ पे रही है, तो हम लोग इनसे कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इनफैक्ट। तो मैं आप लोगों के सामने इनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये है सबसे पहले हमारे सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षित, ही इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट आशुतोष, और वो है हमारे कंपनी सेक्रेटरी शिवम गौतम। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और ये अभी बने हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, आप लोगों के सामने बातें करेंगे। ये लोग आज इसलिए आए हैं क्योंकि मैं चाहता था कि ये लोग अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि क्या 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 स्पीड ब्रेकर्स, क्या क्या इन्होंने झेला है इस पूरी जर्नी में। मेरे को मैंने बट आई हैव सीन, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईज के तरीके से इसको निकाला है, पर ये मेरे को सामने से दिखा इन्होंने घर में कितने घंटे बिताए हैं, क्या झेला है, क्या माँ बाप का प्रेशर रहा था, क्या एग्जाम का प्रेशर रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई है, वो आज हम इनसे एक-एक करके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल हर्षित से। यस सर। हर्षित, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तुम? यस सर। मैंने तेरी मिठाई खा ली है, ठीक है। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है। तू सबसे पहले ये बता, जब तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बना भी, तूने अभी इसका रिजल्ट देखा और तेरे 500 प्लस मार्क्स है भी मैंने देखा, आईडीटी में 84 है इसके, तेरे को क्या फील आया? सर सबसे पहले मैं रास्ते में था जब रिजल्ट आया। अच्छा। तो मैंने खुद नहीं देखा था, किसी ने कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ चुका है एंड यू हैव क्लियर। तो पापा साथ में थे तो एकदम खुशी का माहौल, वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया एकदम, और तीन चार बार रिजल्ट चेक कर रहा हूँ कि हाँ सही में हुआ या नहीं हुआ। फिर फाइनली हुआ, सबसे बातें करी, फिर तो दोनों ग्रुप साथ में दिए थे। हाँ सर। तो उसका भी प्रेशर था? बहुत बहुत ज़्यादा ही था। तो अभी इसके 500 प्लस मार्क्स आए और इसके फादर को भी मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, ही इज अ रेनाउंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे हाथों हाथ कॉल किया और उन्होंने बताया कि ये इसने मुझे कॉल नहीं किया था, लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑन कैमरा, इसके फादर ने मुझे कॉल किया और ही टोल्ड मी कि सर आपका जो बच्चा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तेरा क्या फीलिंग रहा, क्या हुआ उस दिन जब रिजल्ट आया? सर रिजल्ट के टाइम पे ऑफिस में था, एक्चुअली पता था कि आज आने वाला है रिजल्ट, चेक कर रहा था, मैं से हो नहीं रहा था तो गौतम ने चेक किया था मेरा रिजल्ट। अच्छा। उसने फ़ोन किया, बोला कि भाई रिजल्ट चेक किया? मैंने कहा नहीं। बोला कि साले क्या किया, क्या क्या हो गया? बोला अच्छा, उसने डराया? हाँ। अच्छा। बोल रहा है कि हो गया तेरा। सर मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था, बहुत खुशी हुई थी। मैं आपको बताऊँ, आशुतोष थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है लेकिन इसकी जर्नी मैं आपको अभी थोड़ी देर बात करेंगे ना आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा सिंसेरिटी और डेडिकेशन इसने दिया है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए एक मिसाल है। तू बता शिवम। सर मेरा भी सेम ही था, मैंने ऑफिस में रिजल्ट देखा, अपने सीएस में तो टाइम फिक्स होता है 11 बजे, ठीक है डॉट वो आने वाला फरमान, तो 11 बजे जैसे रिजल्ट देखा मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि लाइक अरे पास हो गया, ठीक है अब तो खत्म पढ़ाई। हाँ, तो सीएस में डेट फिक्स है 25 फरवरी, 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा ठीक 11 बजे, प्रोफेशनल का एग्जीक्यूटिव का 2 बजे रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर उस टाइम पे
उस टाइम पे सबसे पहले पास होते सबसे पहले पापा को फोन किया, उसके बाद मम्मी को फोन किया एंड देन आपको बताया कि सर पास हो गया, फाइनली मेहनत पूरी हो गई। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। देखिए हम लोग, देखिए रिजल्ट्स इनके आते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को, मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को हो गए अब 2-3 साल, लेकिन अभी हमारे कोई बेबी नहीं है। लेकिन शादी नहीं भी हुई थी ना उससे पहले भी मेरे को जब इस तरीके से बच्चे पास आउट होके आते थे, तो बाकी फैकल्टीज भी एग्री करेंगे हम लोगों को ना, एक वो जो फादर को फीलिंग होती है ना, एक प्राउड मोमेंट की फीलिंग होती है ना कि यार मेरा बच्चा निकल गया, वही होता है हम लोगों के साथ। अब तो मुझे, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ, मैंने तैयारी करी हुई है भाई, ऐसे नहीं आया हूँ मैं। अगर बच्चे तेरे होना रहे हैं तो हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, मेरा जो दूसरा सवाल यार आशुतोष तेरे से था, इस बार कॉस्ट अकाउंटेंट में ये हुआ कि ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम हुआ है और ये ऑल टुगेदर डिफरेंट था। मतलब लास्ट मिनट पे सीएम इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव लिया कि अपन एग्जाम ऑनलाइन मोड पे लेंगे। बहुत सारे बच्चों की तो ये भी क्वेरी थी कि हम कैसे टाइप करेंगे, क्या होगा, काफी ज्यादा लोग डरे भी हुए थे। तो हाउ यू डील विद इट, क्या करा तूने, क्या स्ट्रेटजी रही इसके लिए? सर एग्जाम से पहले डर तो था ही कि अभी तक पेपर पे दिया, कैलकुलेटर यूज किया जो भी था, अब इसमें टाइपिंग करनी है, कैसे करेंगे, क्या होगा। बट इन्होंने एग्जाम से 6-7 दिन पहले मॉक टेस्ट निकाला था, तो उस पर मैंने किया था, लगा कि हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा टफ था लेकिन। अच्छा, मॉक टेस्ट बाकायदा उधर सिस्टम पे ही दिया था? हाँ सिस्टम पे ही था। ये है कि उसका रिजल्ट नहीं आया, नहीं बताया कि कैसा गया आपका, लेकिन हाँ एक आइडिया ओवरऑल लग गया था कि ऐसे ही होगा। फिर पेपर में गए, मतलब मेरा ये है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई थी एग्जाम से पहले, एक पेपर हो गया, उसके बाद लगा कि टाइपिंग के लिए, मतलब टाइपिंग की वजह से पीछे नहीं छूटेंगे। अच्छा, आइडिया हो गया था जी। अच्छा, मेरे को अभी अपन थोड़ी देर पहले से बात कर रहे थे, तो एक और मेरा एक क्वेश्चन है आशुतोष जी से। जैसे आशुतोष ने अभी फाइनल का एग्जाम दिया, तो आशुतोष को टाइपिंग में इशू नहीं आया सीएमए के पेपर में। वो इसलिए भी नहीं आया क्योंकि आशुतोष ने बहुत लंबे टाइम तक आर्टिकलशिप करी है, वहां पर रगड़ते हैं आर्टिकलशिप में, रगड़ा इसको, इसको आदत हो गई है टाइपिंग की। तो लेकिन जो बच्चे इंटरमीडिएट में जो आर्टिकलशिप में नहीं आए, जिन्होंने कभी नहीं किया, दे मे फेस दिस डिफिकल्टी ऑफ टाइपिंग और ये सब। हाँ, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आई होंगी और उनके लिए यह है कि थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर लें। अब जब आपको ऑलरेडी पैटर्न पता ही है कि यही पैटर्न है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को मोल्ड करना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा अभी फिर मैंने सोचा कि, और मेरे पास मन में ना बहुत सारे एक्साइटमेंट है मेरे में कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। अभी मैं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी पे आने भी वाला हूँ, चिंता ना करना। लेकिन मेरे को उससे पहले ये बताओ यार कि, क्योंकि अभी सबसे पहले दिस इंटरव्यू इज डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू यू, मेरे को ये बताओ कि जब एग्जाम पास में आ रहे थे, बिल्कुल जब नियर बाय एग्जाम आ जाते हैं, वो महीना बचता है अपने पास सिर्फ, या आखिरी के 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या नर्वसनेस फील हो रहा था, या वो एक डायलमा भी आता है ना उस टाइम पे कि यार पास हो जाऊंगा नहीं होऊंगा, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होऊंगा या क्या होगा, शिवम क्या क्या था? सर मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होती थी कि मैं ना एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीना पहले अपना रिविजन रखता था, उससे पहले अपना कोर्स खत्म, क्लासेस वगैरह सब खत्म, और 1 महीना एटलीस्ट रिविजन के लिए देना ही देना है, प्लस पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, मतलब एक आइडिया हो जाएगा आपको, जो 3 आवर्स होते हैं एग्जाम के उसमें कैसे परफॉर्म करना है वो बहुत जरूरी है। मतलब आपने 6 महीने की अगर आपने तैयारी की है, तो जो 3 घंटे में अगर आप परफॉर्म कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं 6 महीने का, सिंपल सी बात है। तुम तीनों में से किसी को ऐसा लगा कि एग्जाम देने के बाद, कि एग्जाम देने के बाद ऐसा फील आया कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ऐसा था कि ग्रुप 1 हो जाएगा और ग्रुप 2 में थोड़ी बहुत दिक्कत है। अच्छा, पर रिजल्ट आया तो उल्टा ही हुआ, ग्रुप 2 में ज्यादा ही नंबर आए। सर वो जनरली जब होता था, जब कोई एग्जाम डिफिकल्ट आता ही था, एक एग्जाम डिफिकल्ट आता था वो बुरा जाता था, फिर लगता था कि अरे नहीं इसमें तो शायद मुश्किल है, शायद इसकी वजह से ग्रुप रुक जाएगा। कौन से सब्जेक्ट से डर लग रहा था? मुझे सबसे ज्यादा ऑनेस्टली लेबर लॉज वगैरह जो हमारे सब्जेक्ट होते थे सीएस में, उनसे बहुत डर लगता था। और कौन सा एक सब्जेक्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग था? टैक्सेशन। अच्छा, टैक्सेशन इंटरेस्टिंग, तेरे लिए कौन सा था? सर जीएसटी सबसे इंटरेस्टिंग, तभी तो 84 लेके आया। और ऑडिट में सबसे बहुत डर था, बहुत ऑडिट, ऑडिट में डर होता है भाई, और उसमें कीवर्ड्स भी याद रखने पड़ते हैं कि भाई समझ नहीं आता क्या करें। हाँ, वो ग्रेप्स करने पड़ते हैं। आशुतोष, सर हमारा एक सीएफआर का पेपर होता है, उस दिन लगा था थोड़ा सा कि शायद ना हो, और रिजल्ट भी मतलब पास ही हुए बॉर्डर से, बट हाँ बाकी पेपर सही हैं। मैंने एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अभी शिवम ने आपको बोला कि शिवम को सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टैक्सेशन लग रहा था, तो यहाँ पे ना एक 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 अलग तरीके से ना एक माहौल बना दिया गया इधर कि लाइक अगर कोई सीएस का बच्चा होगा तो उसके लिए उसका मेन स्ट्रीम बना दिया जाता है कि वो कंपनी लॉ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका मेन स्ट्रीम बना दिया गया कि उसके लिए टैक्सेशन है, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कॉस्टिंग बना दिया गया,
डू यू ऑल्सो बिलीव दिस? नो सर, क्योंकि मैंने तो वो स्कोप देखा है कि जहाँ पर हम तू ऑडिटिंग में कब से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत टाइम्स है ना, तो क्या ऐसा है, क्या यही स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, और भी तो स्कोप है? बिल्कुल सर, स्कोप बहुत वाइड है, मतलब ऐसा डिफाइन नहीं है कि ये बंदा यही करेगा सब कुछ। नहीं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ही इज डूइंग वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, एंड ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और तेरा क्या है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काम? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। देख लीजिए सर, तो यहाँ पर देर इज नो स्कोप, और अपन किस में शो? सर मैं लिटिगेशन में करता हूँ, बेसिकली एनसीएलटीज के केसेस हैंडल करता हूँ, मर्जर्स एंड इंसॉल्वेंसी केसेस। यू हैव कंप्लीटेड एलएलबी आल्सो? यस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ मैं तो, प्रोफेसर डिस्कशन ही कर रहा हूँ। जी सर, मेरा ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे एग्जाम पास हुए थे, तो ये सबसे पहला मेरा, मैं यहाँ पे दो फोल्ड में इस क्वेश्चन को पूछूंगा, तो तुम सोशल मीडिया पे कितने थे या तुमने छोड़ दिया था या क्या था, मेरे को ये एक एक से पर्सनली जानना है, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया पे था या बिल्कुल उससे अवॉइड कर दिया था? सर एकदम मिनिमम, मतलब तीन चार कॉन्टैक्ट थे कि इनसे बातचीत है, पूछूंगा मैं कौन थे कॉन्टैक्ट, इसके अलावा बाकी सबसे सब बंद एकदम। अच्छा, नहीं मतलब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ये सब बंद, बिकॉज ये डिस्ट्रैक्ट करते सर, ऑब्वियसली बात है। तो ये Instagram, Facebook और ये YouTube वगैरह बस सर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत IPL चल रहे थे उस टाइम, तो थोड़ा बहुत हो जाता था, स्कोर देखने जा रहा था तो बस। आशुतोष क्या? सोशल मीडिया पे तो था सर, मतलब उतना एक्टिव नहीं था, रहने का रीजन ये था कि हमारा ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कभी ट्वीट आता था कभी कुछ था, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे थे। सोशल मीडिया पे क्या, इस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए? हाँ मेनली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। YouTube पे कोई अपडेट बता दे या क्या सीन है, क्या अपडेट है वो? जी जी। शिवम सर, मैं इसमें अपनी एक स्ट्रैटेजी रखता था, मैं अपना अकाउंट लॉग आउट कर देता था, क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम आप खोलो, फिर आप रील का बटन खोलो और वो रील चलती रहती थी, वो स्क्रॉल होता रहता था, टाइम वेस्ट होता रहता था, तो लॉग आउट कर दो, एक टाइम फिक्स करो कि अपना खाना खा रहे हो तो देख ली, या आप कहीं घूम रहे हो तो देख ली, वरना नहीं देखनी है। तो आप ये है कि आप कनेक्टेड भी रहोगे लोगों से और आप पढ़ाई में भी एंगेज रहोगे। तो ये मैंने पता, इससे पहले भी जितने इंटरव्यूज लिए मैंने, हमेशा ये बात ऑब्जर्व करी कि सोशल मीडिया से जब तक आप अलग नहीं होगे ना, आज भी मैं ये बच्चों को देखता हूँ कि बच्चे रात दिन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम्स पे, टेलीग्राम्स पे, ये सब बैठे हुए हैं, एंड आई डू नॉट नो हाउ दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ विद द एग्जाम्स। सो एनीवे, एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसा भी होता है कि चलो ये तो सोशल मीडिया, ये तो डिसीजन तुमने ले लिया, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी सावे चल रहे और एग्जाम्स भी आने वाला है, जो अभी बच्चों के एग्जाम है, तो फैमिली फंक्शंस इन सब का, इन सब में तुम लोग गए या क्या करा, उसको घर वालों ने बोला, मतलब हो सकता है किसी क्लोज की फैमिली फंक्शन हो? सर इस केस में सर फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा ठीक है तू पढ़ ले अपना, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे कुछ नहीं। सर कभी कभी गए, जैसे पढ़ाई करते करते भी आदमी इंसान बोर हो जाता है थोड़ा सा, तो चले जाते थे शादी में, खाई जाते हैं, चलो एक आधे घंटे निकाल, बाकी वैसे मतलब हर जगह नहीं गए, लेकिन लेकिन अगर आपने छोड़ी है ना तो आज की डेट में वो फ्रूटफुल है, ऐसा नहीं है कि वो अगर मिस कर दिया तो आज की डेट में मजा नहीं आ रहा, आज बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, आज भी भाभियों में जाके मिल सकते हैं बिल्कुल। एनीवे, तो ये मेरे को था कि क्या करते हो तुम, अब सही बताऊं तो इस इंटरव्यू का जो मायना है ना वो ये है कि आई रियली वॉन्ट की हम लोग ना एक बार अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें कि इन बच्चों तक बात पहुंच पाए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिफोर एग्जाम्स, और वो स्ट्रैटेजी कब प्लान करनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते करते हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्या बैकअप वगैरह होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है क्योंकि तुम लोग क्वालिफाई कर चुके हो तो तुमने ये सब फेस करा होगा। कई बार जैसे मेरे साथ तो होता था कि मैंने 15 डेज का बनाया, उसको यूजुअली वो 18 डेज चला जाता था, मैं खेलता था अपने साथ ही, कैरी फॉरवर्ड हो गया ये चैप्टर। मैंने ये बनाया था कि 15 दिन में दो ही लेने हैं, पर वो 18 दिन या 20 दिन में जाता था मेरा चैप्टर। फिर मैंने बाद में कुछ 15 दिन के 12 दिन में या 11 दिन में कंप्लीट करे। तो क्या हर्षद, क्या था तेरा स्ट्रैटेजी, क्या था? सबसे पहले जब आर्टिकल शिफ्ट स्टार्ट हुई तब पता लग गया था कि भाई 3 साल बाद एग्जाम है, तो ऐसा था कि जब लीव स्टार्ट होंगी ना उससे पहले क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। अब वो कोई स्ट्रैटेजी है तुम कौन सी क्लास कब लो कैसे लो, लेकिन उससे पहले क्लासेस हो जानी चाहिए। लेकिन कितने टाइम पहले? 5 मंथ पहले एग्जाम से। 5 मंथ्स का गैप रखा है, जेस्टेशन गैप। हाँ, एग्जाम से पहले क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। उन 5 मंथ्स ये आपके लिए, मतलब आपके सेल्फ स्टडी, डाउट्स क्लियर, अमेंडमेंट वगैरह, आरटीपी, एमटीपी, उन सब के लिए। और लास्ट का एक मंथ मेरा था सिर्फ आरटीपी, एमटीपी। हर सब्जेक्ट के 2 या 3 दिन दिए, सिर्फ आरटीपी, एमटीपी करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, चाहे आता हो या ना आता हो।
फिर अगर नहीं हो रही थी तो सर करता क्या, मतलब अगर ये नहीं भी हो रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है इसलिए एक चीज़ होती है कि नहीं हो रहा तो हम उसमें देखते रहेंगे भाई कैसे होगा, नहीं हो रहा कोई नहीं यार 94 आ जाएंगे, 6 नंबर का नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये वाली बात से, कई बच्चे 5 महीने के गैप में भी ये सोचते हैं कि हम एग्जाम क्लियर कर लें, यहाँ से शुरुआत करते हैं कुछ लोग, जबकि एक्चुअल में अगर आपको पास होना है, मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि मोर देन 500 मार्क्स सर, 505 मार्क्स साइंस के 800 में से, आप हिस्ट्री उठा के देखिए जिन लोगों के 550 मार्क आए हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 में आपको दिखेंगे, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, देन गो फॉर द रिविजन, देन गो फॉर द रिविजन, ये दो रिविजन आपको कन्फर्म करके देंगे कि आप पास हो सकते हो। फॉर रैंक के लिए आपको रिविजन बढ़ाने पड़ते हैं और उसके लिए आपको बहुत पीछे से आना पड़ता है। एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू से टू द एस्पिरेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? सर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये 10-12 से आसान है क्या? नहीं नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये 10-12 से आसान है, कंसिस्टेंसी और है तो यू कैन। हां कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट, यस। व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटेंट आशुतोष क्या कहेगा तू? सर मैं चाहता हूँ कि तेरी जो सिंसेरिटी है ना, व्हाट आई हैव सीन ड्यूरिंग द क्लास, मैं चाहता हूँ वो बच्चों तक एक बार जरूर पहुंचे, क्योंकि मैंने तुझे देखा है पढ़ते हुए, मैंने देखो तुझे देखा है शांति में, वो सब जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है तो उसको इकट्ठा करके तूने वो वापस से अपने को लिया है ढंग से कि क्या करना है। कहाँ से शुरू करें सर? फाउंडेशन से? कहीं नहीं, फाउंडेशन मेरे को पता है, फाउंडेशन में तो फिर भी यहाँ बच्चे निकल गए अपने जी, इंटरमीडिएट और फाइनल में बच्चा परेशान होता है जी, तो क्या करता था तू ऐसा, कि ऐसी तो बात है नहीं कि तेरे को भी एकदम से समझ में आ गया था, तूने उसके पीछे बहुत एक्सरसाइज करी है ना। हाँ। मैंने देखी है बात, और मेरे को सबसे अच्छी बात, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ इसका सारे फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइन, तो वो क्या करा तूने कि हर बार निकल गया तू? सर फाउंडेशन जब क्लियर हुआ, फाउंडेशन तो हो गया वैसे, मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। ये बता इनको। हाँ, मैं 12th तक हिंदी मीडियम से था। हाँ। फाउंडेशन किया, फाउंडेशन इंग्लिश में था, फाउंडेशन वैसे इजी था तो हो गया, एंड मोर देन 75% मार्क्स आ गए उसमें। लेकिन इंटर में आके जैसे लॉ है तो थोड़ी सी काफ़ी दिक्कतें आती थी। हाँ मैंने ये बात देखी है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से आ रहे होते हैं ना वो ज़्यादातर बात लॉ की करते हैं, क्योंकि उन पर राइटिंग स्किल सही होती है उधर जी। फिर उससे ओवरकम किया? हाँ तो सर वही मेन था, विद्यास्थल था ही, और बाकी मेहनत हमने भी की है, मेहनत तुमने ही की है भाई सर, और बाकी नहीं कोचिंग से भी काफ़ी, जैसे कॉस्टिंग के लिए आशीष सर थे, लॉ में दुष्यंत सर थे, तो मेनली लॉ से डर था, दुष्यंत सर ने भी मेहनत किया, हमने भी किया, कॉस्टिंग में अच्छे मार्क्स आ गए, बाकी डीटी में आप थे ही, और अकाउंट्स भी पढ़ी थी हमने, हमने तो पूरे सारे सब्जेक्ट, हाँ, सारे सब्जेक्ट्स लिए थे सर हमने, तो उसके बाद फिर पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ये मीडियम चेंज हुआ इसकी वजह से प्रॉब्लम है? हाँ एक मेरे साथ ये दिक्कत तो थी, और बाकी मुझे ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट देना था तो जून 17 में दोनों ग्रुप्स देने थे, बट कुछ ओरल रजिस्ट्रेशन था तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, इस वजह से एक ही ग्रुप दे पाया, इंस्टीट्यूट वालों ने एक ही एडमिट कार्ड भेजा एक ही ग्रुप का, तो बोथ नहीं दे पाया, फिर अगले बार में सेकेंड ग्रुप हुआ, लेकिन हाँ प्रिपेयर्ड हो गया था मैं बोथ ग्रुप्स के लिए, मेहनत ही था बाकी दूसरा कुछ तो था नहीं। नहीं बहुत मेहनत है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मीडियम का गेम लोग आप सोच रहे हैं ना, इसमें एक्चुअल में बाकी सब्जेक्ट्स तो प्रैक्टिकल है, और लॉ की अगर मैं बात करूँ तो ईमानदारी से अगर कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन समझता है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है, कोई लॉ का ट्रांसलेशन में जाएगा तो उसको लगेगा कि मीडियम इशू है, और असली गेम इंटरप्रिटेशन का है, और आपको सही गाइडेंस मिलती है तो वो आपको आगे लीड करवा देती है, और नो डाउट हम कितना भी बोल लें जो ये बच्चे पास हुए हैं इसका 100% क्रेडिट इनको जाता है। ये हमारे पास आए थे, हम सिर्फ चालक थे और हम इनको उस दिशा पे लेके जा रहे थे, लेकिन धनुष इन्होंने चलाने थे, बाण इन्होंने चलाने थे, ब्रह्मास्त्र इन्होंने खेलना था, तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस। तेरा क्या राशन, क्या स्ट्रैटेजी रही? सर मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी जैसे हर्षित ने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, अपने कोर्स में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्लास स्किप कर सकते हो या अपनी पढ़ाई स्किप कर सकते हो, जितनी क्लास इंपॉर्टेंट है उतनी ही सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तो ये कहूँगा सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेली ही पढ़ना होगा, आप एक आधा दिन स्किप कर लो, बट ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई ही छोड़ दोगे, आपका बिल्कुल टच छोड़ जाएगा, एक फ्लो बनाने में बहुत टाइम लगता है, उस टाइम को लाने के लिए आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस रेगुलर आप मतलब या तो मॉर्निंग में या रात में पढ़ना स्टार्ट करो, लाइक कि हाँ
मॉर्निंग का टाइम अगर मुझे सूट करता है तो मैं मॉर्निंग में पढ़ूंगा, अगर मुझे लगता है कि मैं इवनिंग का टाइम सूट करता है मैं रात में लेट नाइट स्टडी कर सकता हूं, मैं तो रात में पढ़ूंगा। वो बहुत कंफर्ट उसके ऊपर, कंफर्ट उसके ऊपर, क्योंकि हर जने का अपना एक तरीका है, स्ट्रेटजी है। मेरे को एक और बात बताओ, बच्चा ना उनसे मैसेज करके पूछता है, मेरे से नहीं, मेरे ये डिस्कशन आशीष सर से भी हुए, राकेश सर से भी हुए, बच्चा पता है हम लोगों से क्या पूछता है, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए पास होने के लिए? तुम बताओ, आज स्टूडेंट बैठे हो, बताओ कितने, कुछ ऐसा फिक्स है कि अब मैंने उसे बोला कि अगर ये पहले से किसी को पता होता कि 10 घंटे पढ़ने से पास होते हैं, पूरी दुनिया 10 घंटे पढ़ती। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपके वो नंबर ऑफ आवर्स धीरे धीरे उल्टा रिड्यूस ही होते रहते हैं। एग्जाम के पास में तो नो डाउट आपको पुश मारना ही है, तो फिर भी एग्जाम के जब हम बिल्कुल पास आ गए थे तो कितने आवर्स हो गए थे? सर बिल्कुल पास में जब मेरे लास्ट के 5 मंथ्स थे तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे मैं टाइम था रात को 9 से 2, ये 5 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 9 से 2 5 आवर्स, ये 5 तो पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कुछ भी, बीमार हो कुछ भी हो, इसके अलावा बाकी जितना आपको टाइम मिले। अच्छा, 5 आवर्स फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल है, फिर वेरिएबल है आपको जब टाइम मिले, जब मौका मिले, जब जैसे। ठीक है, आशुतोष तेरा कितना था? सर अगर इंटर की, मतलब इसको दो फेज में मैं करना चाहूँगा। इंटर में क्या था कि जब क्लासेस चल रहे थे तो मैंने रिवीजन के लिए ऐसे नहीं छोड़ा कि पहले एक बार पूरा क्लास कंप्लीट कर लेते फिर लास्ट में, मतलब जैसे क्लास चल रहा है अगर 4 चैप्टर हो गए हैं, 5वें पे हूँ तो 5वां कर रहा हूँ, साथ में उन चारों का भी रिवीजन करता था मैं। अच्छा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आके मतलब बहुत प्रेशर था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। बाकी अगर घंटों की बात करें तो 7-8 घंटे, 7-8 घंटे पढ़े जी। और जब तुम वो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो तो रोज कितना पढ़े कम से कम? सर हो जाते थे 15 के आसपास। नहीं मतलब शुरू में जब अपन पढ़ रहे थे शुरू में तो सर ओवरऑल 8-9, शुरू में भी 8-9 घंटे, इतना तो सर कुछ काम ही नहीं है सर, मतलब पढ़ना ही और क्या है, या तो हो कि आपके पास और कोई काम हो तो मुश्किल है, मतलब सिर्फ पढ़ना ही है। लास्ट के दिन एग्जाम से अगर ऑफिस प्लीज मिल ही जाती है तो सिर्फ पढ़ना ही सर। नहीं मैं कह रहा हूँ जब बच्चा इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं, अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं, फिर क्लासेस के बाद वो घर जा रहे हैं, फिर जो क्लास में उसने पढ़ा उसको वो रिवाइज भी करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी कि रोज पढ़ो, तो कितना मिनिमम आवर उस टाइम पे था? आर्टिकलशिप के टाइम एक क्लास लेनी है दिन की बस। अच्छा, और रिविजन संडे को देखनी है क्लास। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, फिर मेरे मन में एक और क्वेश्चन है इसके अलावा, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी पे, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस, व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप हम कर रहे हैं ठीक है ना, और मैं एक और बात बताता हूँ, हम लोग ना आज पहली बार नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पर इसी जगह पर क्विज करी थी सीए की, सीएस की, सीएमए की, पहले हम इसको बांटा करते थे कि सीए वर्सेस सीएस वर्सेस सीएमए, और हम लोग वहां पर मिले थे और तुम तीनों ही लीड मार रहे थे अपनी अपनी टीम से, क्योंकि तीन अलग अलग टीम से थे, क्या पता था अपन कभी ऐसे बैठ के साथ में उस दिन मतलब फाइट हो रही थी, आज उस दिन हम डिवाइड हो रहे थे, आज यूनाइट हो रहे हैं तो ये भी एक क्या गजब ही किस्सा है। तो खैर, अब मैं तो ऐसा है नहीं कि आज से जान रहा हूँ तुमको, है ना बेटा, मैं सालों से जान रहा हूँ तो मेरे को ये बताओ कि इसके साथ तुमने अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर रहे? कुछ भी हो सकती है पर्सनल लाइफ सर, है ना, पापा मम्मी के रोज पैर कैसे दबाता था तू, समझ रहे, मतलब बहुत कुछ यहाँ पर तुम लोग आए सर, वो ये थोड़ा बहुत जो आपका ग्रुप है वो उस तरीके होना चाहिए। अगर बंदा थोड़ी देर रुक जाए पर्सनल लाइफ के बाद तो सामने वाले को खुद समझना होता है कि पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। पर्सनल लाइफ सर आप मेरे को बताओ कैसी चल रही है सर, आर्टिकलशिप में कैसे आपने मैनेज करा, एग्जाम में कैसे मैनेज करा? सर मैं वो ये कि ऐसा आपका ग्रुप होना चाहिए सर, मेरा जो ग्रुप था ऑलमोस्ट 4-5 जनों का ग्रुप था और वो सारे ही मेरे अटेम्प्ट वाले थे या एक जिनका अगला अटेम्प्ट है, तो सारे मतलब इस तरह के लोग मिले कि भाई ऑलमोस्ट कई बार पढ़ाई की बात है या ऐसी बात है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कन्वर्सेशन भी हुआ तो स्टडी से रिलेटेड ही हुआ, या अगर अलग भी हुआ तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका, क्योंकि सेम फील्ड में है तो थिंकिंग एक ही होगी, मतलब ठीक है, फर्क होता है, एम सेम है, एम सेम है। आशुतोष क्या मतलब कुछ ऐसे एक्स फैक्टर, कुछ बातें कुछ पता लगे हमें कि कहीं और मूवमेंट, कहीं डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया का नहीं हुआ तो किसी और का हुआ? नहीं सर ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं, अभी भी नहीं है ऐसा, अभी भी नहीं है अब तो खुद ही रिश्ते आ जाएंगे, अब अभी नहीं है तो। गौतम वौतम ने तेरे को नहीं बताया, वो उसका तो डिस्ट्रैक्शन चल रहा था। हाँ मेरा नहीं चला सर, मेरा नहीं चल रहा था। चलो ये एक ये भी दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये भी निकलती है लाइफ में और इसको सबको निकालते हुए अपन को आगे बढ़ना होता है। क्वेश्चन अभी मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन
ये मैं थोड़ा सा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम्स में तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ। क्या मेरे मन में ना एक आया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये बच्चे मेरे साथ शुरू से, तो ये हम लोगों ने बातें कर ली है कि सोशल मीडिया पे और इन सब से ये खुद कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग इनसे नहीं रहते। वो मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जानना चाहती है पब्लिक, द नेशन वॉन्ट्स टू नो दिस, कि जब तुम पढ़ाई कर रहे थे, और मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही देख लिया था शिवम तेरे को, वो किस लड़की के साथ तू घूम रहा था, वो वाला डिस्ट्रैक्शन बताना तेरे को, वो कौन सा डिस्ट्रैक्शन था जब तू एग्जीक्यूटिव लेवल पे घूम रहा था। तू तो फाइनल तक घूमा है। वो वाला डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है हम नहीं आएंगे, हमें इंस्टाग्राम पे इसलिए भी नहीं आना क्योंकि हमारे पास वैसे ही और कहीं बिजी हैं हम। वो किस लड़की के साथ घूम रहा था तू? सर कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? वो तो थी, कौन सी थी इसकी? और तेरी वाली कौन सी थी उसमें? मेरा तो ब्लैंक है सर, बहुत है सर, ब्लैंक है, ब्लैंक है सर, रहने दीजिए, हम सब में सबसे ज्यादा यही था। तो अब मेरे को वो सब छोड़ो, ये बताओ कि वो जो भी थी एक्स वाई जेड, उनके रिजल्ट का क्या हुआ? सर वो हमें देख के अब ये कह रही हैं कि अब इंतकाम लेंगे। तो इनको जाके बता देना कि सही एड्रेस पास होने का विद्या स्थल है। चलो नेक्स्ट। इस पूरी जर्नी में जो तुम लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक फाउंडेशन टू फाइनल आर्टिकलशिप या जो कुछ भी तुमने किया, इसमें ऐसा हुआ होगा कभी ना कोई बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आए होंगे जो बहुत अच्छे थे, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स भी आए होंगे जो थोड़े से डल थे, थोड़े से डार्क रहे होंगे, डार्क इन द सेंस तुम लोग कभी फेल तो नहीं हुए व्हाट आई हैव सीन, लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशंस वगैरह, तो बाकी सबको ना एक मैं एक नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट था, और कोई ऐसा मोमेंट जिसमें मैं कहूँ कि तुमको रिग्रेट फील होता हो। हाँ देखो आशुतोष। सर बेस्ट मोमेंट था जब CMA बना। अच्छा। और रिग्रेट थोड़ा फील होता है कि एक मार्क्स और मतलब आ गया होता तो रैंक आ जाती। तो तू एक मार्क से रहा रैंक से? जी। तो कौन सी रैंक आती है? एक 50th रैंक आती है। 50th ही आती है, लेकिन हाँ सर आ तो जाती। तो जिसकी 50th रैंक आई है वो सिर्फ एक मार्क्स ऊपर है मुझसे। यस सर। ये तो हमारा भी रिग्रेट है सर। विद्यास्थल लॉस्ट रैंक होल्डर। अरे यार। चलो एनीवे, तू जो आज कर रहा है वो शायद रैंक होल्डर्स भी नहीं कर रहे, तो ये एक अप्रिशिएबल है कि बहुत अच्छा आगे चला गया तू लाइफ में। हाँ शिवम। सर मैं ये बोलूँगा रिग्रेट तो मुझे ये रहा है कि लाइक मैं अपने फैमिली फंक्शंस नहीं अटेंड कर पाया, मेरे दोस्त लोग पार्टी का प्लान करते थे मैं उनको अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन रसगुल्ले नहीं खा पाया तो बट हाँ अच्छा मोमेंट ये रहा है कि जब मेरा फाइनल क्लियर हुआ था तो लाइक मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी मैं पास हो गया, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोई थी, तो वो मतलब अब तक याद है, वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है लाइफ का। ये इमोशनल मोमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से, ये सबके साथ रहते हैं। सर तेरा क्या रहा है? सर अच्छे मोमेंट सब बहुत ही रहे हैं सर, CA सेलेक्ट करना, विद्यास्थल ज्वाइन करना, इंटर क्लियर करना, फाइनल और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ, और रिग्रेट के लिए तो टाइम ही कम ये कोर्स टाइम ही नहीं देता रिग्रेट करने के लिए, आप रिग्रेट करोगे आपका टाइम किल होगा और कुछ नहीं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि अभी तुम लोग क्वालिफाइड हो गए हो, और हर बार मैं बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि पूरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है कि अभी हम लोगों को तुम जैसे होनहार बच्चे मिले और तुम लोगों ने हमारा वाक्य में नाम किया है, विद्यास्थल के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अब क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो गए हो तो आज हम फ्रंट ऑफ द कैमरे और ये बातों को डिस्कस कर रहे हैं, पर हमारे साथ और भी ऐसे बच्चे थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बारे में, और तुम लोगों को पता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर पाए डिसहार्टन तो होंगे ना, वो हुए होंगे, ज़रूर हुए होंगे, तो और अभी जिनका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी जो कमिंग अटैम्प्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए तुम्हारा क्या क्या मैसेज देना चाहेगा शिवम? क्या मैसेज देगा सर उनको? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, मतलब अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप कभी ही नहीं बनोगे, लेकिन ये अटेम्प्ट आपके लिए इतना कोई मैटर नहीं करता, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, आप बन जाओगे, ठीक है। प्लस हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बहुत सारी घर में ऐसी ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं कि हम लोग स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है, मतलब अगर हम इन चीज़ों को साइड हटा के आप अगर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करोगे ना, तो ज़रूर आप एक दिन अपने आप को क्वालिफाइड मानोगे। गोल पे फोकस रहना चाहिए बिल्कुल। मेरे को अभी ये शिवम बता रहा था तो मुझे इस बातों में याद आया, मेरे को बहुत मैं ये भूल गया था, अभी इसने इस मैटर पे बात करी तो मुझे याद आया, 5 दिसंबर को CA के एग्जाम्स है अभी, जिसमें हर्षद ने क्वालिफाई करा है, और उसे 2 दिन पहले तेरे घर में कोई इंसिडेंट हुआ था। यस
सर चोरी हो गई थी हमारे घर में एंड थर्ड को, तो उसमें फ़ोन वगैरह लॉस्ट हो गए थे। थर्ड को चोरी हो गई थी दो दिन पहले? यस सर। एंड फाइनेंशियल भी थोड़ा लॉस था और सर बात यानी एकदम मेंटली डिस्टर्ब, मतलब एग्ज़ाम दें या क्या करें। फिर उस टाइम पापा ने ये चीज़ बताई थी कि दिस इज़ नॉट द एंड, मतलब अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ है, रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो बाकी सब चीज़ें भूल जाते लोग। और रिजल्ट अच्छा आ भी गया तो बस, तो वो चोरी तुम्हारे लिए तो मोटिवेशन फैक्टर, गुड लक हो गया तुम्हारा तो। पर ये क्योंकि मैं इसके फादर को जानता हूँ और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो ये मोटिवेशन थॉट्स उधर से आ सकते हैं कि दो दिन पहले चोरी हो जाए तो कितना, आप सोचिए घर में कितना मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है सबके साथ ही, और उसके दो दिन बाद एग्जाम है। बट एनी वे तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी क्योंकि मैंने तो तुम लोगों को देखा है पढ़ते हुए, तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू सर। आप मेरे को ये बताओ, बाकी सब ठीक है, मेरे को पता है तुम लोगों ने मेहनत करी 100% करी, तुम्हारा ये बताओ कि यहाँ की फैकल्टीज ने क्या करा तुम्हारे लिए, ये बता मुझे। तू है हर से, तू बता, स्टार्ट कर, मेरे को बता सर। ठीक है यहाँ की फैकल्टीज बढ़िया है। तूने तूने क्लासेस जो ली थी इंटरमीडिएट तो हमारे पास, तो यहाँ पे फेस टू फेस पे थे। ठीक है, ये बच्चे दोनों मेरे पास फाइनल पे फेस टू फेस पे थे। बट यू हैव ऑप्टेड दी वर्चुअल क्लासेस ड्यू टू प्रोबेबली मे बी आर्टिकलशिप और वगैरह, आर्टिकलशिप एंड फिर कोविड की वजह से तो लेनी थी। हाँ, तो वो जब तुम मूव कर रहे हो उस पे वर्चुअल क्लास में, तो फर्स्ट आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्चुअल क्लास एंड फेस टू फेस, व्हाट शुड दीज स्टूडेंट मे प्रेफर, दे मस्ट गो फॉर द वर्चुअल क्लासेस और फेस टू फेस क्लासेस, और अगर इसमें डिफरेंस है तो क्या क्या डिफरेंस क्या है वो, और अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर तो फेस टू फेस का मार्केट जिस तरीके से मुझे आज की डेट में दिख रहा है कि बच्चे वर्चुअल ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो क्या रीज़न क्या है, मैं सब जानना चाहता हूँ आपके मुँह से, क्योंकि आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व करा है। सर फेस टू फेस और वर्चुअल में एक डिफरेंस ये है सर, फेस टू फेस एक रेगुलर होती है, मतलब आपको जाना ही जाना है, क्लास वन क्लास में सुनेगी। वर्चुअल में इट्स अप टू योर कम्फर्टेबल, मतलब आज ले ली कल ले ली परसों ले ली। सो अगर आप पे सेल्फ कंट्रोल है, मतलब यू कैन टेक क्लास रेगुलरली विद दैट एंथुसियाज्म, तो वर्चुअल इज़ बेस्ट। अदरवाइज फेस टू फेस बेस्ट रहती है, एक तो इंटरेक्शन रहता है सर और मोटिवेट, मतलब खुद आपको ऐसे कलीग्स मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए वगैरह, तो फायदा रहता है। ये उल्टा भी हो सकता है ना, ये उल्टा मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे आपको रोज फैकल्टी से मीट कर पाते हो, रियल टाइम डाउट्स आप ले पाते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन भी हो, ट्रांसपोर्टेशन टाइम जाता हो। आप क्योंकि आर्टिकलशिप में कर रहे हो तो आपके पास वो समय नहीं है कि कब मैं आप ट्रेनिंग पे जाऊं और कब करूं। यस सर। तो दोनों देर आर आई गेस जैसे द कॉइन सर डिपेंडिंग अपॉन उसकी सिचुएशंस क्या है, मतलब आर्टिकलशिप पर टाइमिंग वगैरह सब कुछ क्या होता है, रिमोट एरिया में से रह रहे होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वर्चुअली ले लें क्योंकि यहां शिफ्ट होंगे एक्सपेंसेस वगैरह। तो व्हाट यू प्रेफर, अभी तूने दोनों क्लासेस लेके देख ली, तो दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर अ वर्चुअल क्लासेस, इफ दे हैव अ ऑप्शन, दे आल्सो हैव अ ऑप्शन टू गो विद द फर्स्ट टू फेस क्लास, तो उनको किस में जाना चाहिए? सर अगर इफ यू हैव नो डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड फेस टू फेस, लाइक फाइनेंशियली वगैरह किसी भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो फेस टू फेस इज प्रेफर। लेकिन अगर आपके पास कोई डिफरेंस है कि क्लास टाइमिंग नहीं है या कुछ और है, देन वर्चुअल। वर्चुअल में कोई इशू नहीं सर, स्टार्टिंग में सर फर्स्ट क्लास जब मैं ली थी तब थोड़ा बहुत इशू था, लेकिन उसके बाद जब सारी क्लासेस ली तो एक रेगुलर हो गया था, एक नॉर्मल, एक अब फेस टू फेस क्लास अजीब लगती है। अच्छा, वो फाइनल में इतना हैबिचुअल हो गया। आशुतोष तूने तो फेस टू फेस क्लासेस ली। यस सर। तेरा तो सेल्फ स्टडी भी बहुत तगड़ा था। यस सर। तो वर्चुअल का अपने पास अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तेरा भी सारा फेस टू फेस था। यस सर। लेकिन आप अलाउ करें तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि वर्चुअल क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट फेस टू फेस क्लासेस में लगता है कि अपने को नहा धो के तैयार होकर ऑफिस क्लास में आना है, और फिर अपना मतलब एक उस वो रहता है कि अच्छा सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। वर्चुअल क्लासेस में क्या होता है कि बेड से उठे, टेबल चेयर पे बैठ गए, लैपटॉप खोल के मतलब अपने सो रहे हैं, सर क्लासेस चल रही है, तो फिर इतना कोई मतलब इफेक्टिवनेस जो एफिशिएंसी है वो नहीं आने वाली। आधे घंटे बाद पॉज मारा वापस चले गए। तो ये हर्षद ने मेंशन भी किया कि जो सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है ना, यस, जो बिल्कुल जिसका गोल एकदम क्लियर है कि मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए वर्चुअल जो है क्योंकि उसको फिर बताने की जरूरत भी नहीं, ऑब्वियसली वो करेगा। और हाँ, और इस वाले एज में 80-90% बच्चा जो होता है ना उसको चाहिए होता है सेंस ऑफ मोटिवेशन, भले वो गुरु दे भले वो पेरेंट्स दे, तो वो एक डिसिप्लिन बना रहता है फेस टू फेस क्लास में। यस। बट जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जो मूव नहीं कर पाते, ठीक है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये भी अपने लिए एक बढ़िया ही है, अपने को जितने ऑल्टरनेट्स मिल जाए। नहीं हाँ सर, ठीक है। और अब तो तुम लोग फ्री हो गए हो पढ़ाई से, अब एक वो होता है ना अपनी हॉबीज वगैरह होती है कि यार ये मैं करता अगर ये नहीं कर रहा होता
लेकिन हॉबीज तो तुमने वैसे भी करी है, कोई छोड़े तो है नहीं? तो कुछ नहीं सर। शादी वादी रिश्ते आने लग गए तुम लोगों के लिए कि भाई आप तेरे आले आ गए? पता नहीं सर। फिर तेरे तो मैं पिताजी से पूछ लूंगा। लेकिन अब तो अभी कितनी ट्रेनिंग रह गई है सर? अभी दो तीन महीने की, 2-3 महीने की ट्रेनिंग रह गई है। तेरा ट्रेनिंग पूरा हो गया? यस सर। ट्रेनिंग टर्म पूरा हो गया, अब तो उसमें एम्प्लॉयमेंट में भी? हाँ जी। लिटिगेशन में जा रहे थे तो? हाँ जी हाँ जी। यार ये बहुत मेहनत वाली फील्ड है लिटिगेशन। एंड नाउ यू आर इन प्योरली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कस्टम्स? यस। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बता इनको क्या प्रोफाइल है तेरा? ही इज मैनेजिंग 150 firms अराउंड 150 firms। मेरे पास नहीं है पूरे विद्यासागर में फैकल्टी मिला के भी नहीं होंगे हमारे पास। ये कौन सा तू ये कैसे करते है वाला धंधा? इसमें कुछ अलग से होता है? पैसा मिलता है क्या? हमें तो सिखाते मिल जाते हैं सर। मतलब आई रियली प्राउड। ऑन कैमरा थोड़ा क्या? ऑन कैमरा थोड़ा सा नहीं बोल सकते ना, एथिक्स। तो आप जैसे भी कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरे को ये हमेशा रह गए, कल को कहीं भी किसी भी ऊंचाइयों पे हो जाएंगे ना सर हमारा ही उठने वाला है, क्योंकि हमें क्योंकि बच्चा ही मेरा है। मैं हमेशा वो मैंने आप लोगों को एक मैं आपसे ना यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल एक टॉक करता हूँ कि सर आपको YouTube पे मिलेगा, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। हाँ जी। और आप ही की तरह क्वालिफाइड बच्चे बैठे हुए थे, मैंने उन लोगों का इंटरव्यू वगैरह लिया और मेरी स्टार्ट ऐसे हुआ कि तूने जो पढ़ाई करी वो कैसे करी? और वो मैंने स्टार्ट किया और मेरी वाइफ ने वो क्लोज कर दिया कि मेरे को अच्छा नहीं लगा सुन के, कैसे बोला तुमने तूने जो स्टार्ट किया? मैंने कहा एक्चुअल में अगर हर्षित बैठा है मानो तो मेरे से आप निकल ही नहीं रहे। क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी इस बात को कि मैं इनके साथ कब से रह रहा हूँ। मैं इनके साथ ये अगर इनकी 5 years की जर्नी है तो आई स्पेंड 5 years विद देम। और वो हम लोगों का यहाँ पर जो माहौल होता था उसमें हम लोग कहीं बाहर आउटिंग भी मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो खैर अब समझ जाएगी, वो भी आती जाती रहती है। तो ये एक पूरा एंटायर जर्नी इज रियली रियली ब्यूटीफुल। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से शिवम, आशुतोष, हर्षित? सर एक जो बेस होता है, मतलब यहाँ वो बेस मिला मुझे सीए के लिए आगे, एंड फैकल्टी अच्छे मिले, फ्रेंड्स अच्छे मिले, और फिर हमने काफी मतलब पढ़ाई करी, फन करा। टीचर्स जी आपको याद होगा तुम्हारे? अब मेरे को टीचर्स ने बहुत बहुत अच्छा सेलिब्रेट करा तुमने, तुम्हारा ग्रुप भी बहुत शानदार बनाया, वो तूने मीम्स बनाए, पुरानी फोटोज उठाई थी। yes, सर वही मतलब एक तरह से माहौल बन चुका था कि सुबह जाना है, यहाँ पढ़ना है और टाइम स्पेंड करना है, और घर पे आके थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी, तो रूटीन बन गया था एक। मेरे पास अगर टीचर्स डे की क्लिप्स हैं जो इन्होंने करा था वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू। इन्होंने हम लोगों के लिए टीचर्स डे पे स्पेशली केक भी लेके आए थे, और उस केक पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी इन लोगों ने लिखा था। मतलब वो एक वो इमोशन है वो सारी चीज़ें, और क्विज की फोटोज भी है मेरे पास तुम लोगों की कि जो वो गया था। इसके अलावा एनीथिंग एल्स आशुतोष? नहीं सर, मैं तो खैर सीएमए बन ही पाया विद्यास्थल से, बिकॉज़ फाउंडेशन से। ये तो हमारे लिए वो है जो डे वन से लेकर लास्ट डे तक हमको दिखा है। बस सर फाउंडेशन में आए थे तब से, कभी लगा ही नहीं कि छोड़ना है। अच्छा, यू आर प्योरली फ्रॉम दिल्ली? मैं अब ये एक लास्ट देना चाहता हूँ मैसेज, यू आर प्योरली फ्रॉम दिल्ली? यू आर प्योरली फ्रॉम बिहार से? बिहार। एंड यू आर प्योरली फ्रॉम यूपी? यूपी। अब जो बच्चे जो बिहार से यहाँ पर आ रहे हैं, और यूपी में तो दूर से ये कहीं पास में तो नहीं है, जो आ रहे हैं, मतलब अब हम उनको बोल सकते हैं कि द दिल्ली इज अ गुड प्लेस फॉर दिस कोचिंग क्लासेस? और आई और अभी जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे वर्चुअल क्लासेस अवेलेबल है क्या? है क्या सी? हाँ सर, वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं वहाँ पर, है अवेलेबल, हो रही है। हाँ, यहाँ से भी खैर अब तो डिस्पैच हो जाती है क्लासेस। जी सर। लेकिन व्हाट यू प्रेफर, कि जब तुम पहली बार आए थे तब सबका माहौल नहीं था? नहीं सर, मैं तो कहूँ अगर ऑनलाइन कर रहा होता तो शायद मेरे से सीएमए नहीं होता। अच्छा, तो मेरे लिए तो खैर दिल्ली आया तभी सीएमए कर पाया, तो वो मॉनिटरिंग मिली। जी सर। है ना सर, मेरा ऐसा मानना है इसमें कि मतलब अपना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर सकते हैं, तो आप डेली आगे बढ़ो। इसका रीज़न है कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो इस वाले नोट पे इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करते हैं। yes, और yes, कहीं चलते हैं बाहर आउटिंग मारते हैं। yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो सब चीज़ें करे हुए। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों को सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम लोगों को जितने स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप लोगों के सामने थे आज हमारे पास क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड दिस इज ओनली बिकॉज दे हैव डन सो मच फॉर देम। ये 100% क्रेडिट उनका जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग जो हैं वो उनको गाइडेंस दे सकते हैं,
ये चूज करते हैं कि गाइडेंस इनको प्रॉपरली कहाँ से मिल पाएगी, एंड वी आर दी लकी वन कि इन लोगों ने हमको चूज़ करा, और वी आर रियली लकी वन कि हमारी एकेडमी से ये लोग पास आउट हो पाए और इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिल पाया। हमारी ये कोशिश हमेशा हमेशा से जारी थी और जारी रहेगी। तो आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों से यहाँ पर विदा लेता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ विद्यास्थल, थैंक यू सो मच।